हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, ग्रुप डी 2019 अभ्यर्थियों के लिए दो बड़े जोन से दो बड़ी अपडेट्स आ रही है। सो फ्रेंड्स, पहला जो अपडेट है वो आपका नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से है और दूसरी जो अपडेट है वो आपका प्रयागराज की तरफ से है। तो चलिए बारी बारी से दोनों नोटिफिकेशन को हम देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्दर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो दोस्तों, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट नॉर्दर्न रेलवे का। और दोस्तों, यहाँ देखिए 1/3/2023 को एक सूचना आई है जो कि आपका डीवी के तहत है। तो चलिए इस पूरी सूचना को देख लेते हैं और उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे प्रयागराज के ऑफिशियल वेबसाइट में दूसरी सूचना को देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल सूचना नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से जो आई है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए CEN नंबर RRC 1/2019 नोटिस नंबर 4 डेटेड 1/3/2023 रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1। तो दोस्तों चलिए पूरी सूचना को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस कार्यालय के सम्यक नोटिस दिनांक 9/2/2023 के द्वारा दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा प्रशिक्षण दिनांक 9/2/2023 से 21/3/2023 तक अम्बाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ एवं मुरादाबाद मंडल में आयोजित करने हेतु सूचित किया गया था एवं तदनुसार चयनित अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से बुलावा पत्र जारी किए गए थे। दिनांक 16/3/2023 से 21/3/2023 तक जिन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया था, उनका दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा प्रशिक्षण अपरिहार्य कारणों के कारण दिनांक 9/3/2023 से 15/3/2023 तक करवाए जाने का निर्णय सक्षम पदाधिकारी द्वारा लिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो डेट्स है वो आपका चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आपका पहले 16/3 से 21/3 तक था वो आपको अब यहाँ पर 9/3 से आपका 15/3 तक होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन दिनांक 16 से 21 के स्थान पर दिनांक 9/3 से 15/3 तक करवाया जाना है, सो फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया उनकी सूची संलग्न है। तो क्या कितने लोगों का चयन हुआ है, कौन कौन से लोग सिलेक्शन पा गए हैं, तो उनका सूची जो इसमें अटैच कर दिया गया जो आपको हम आगे दिखाएंगे, ठीक है। सूची में अंकित अभ्यर्थी उनके रोल नंबर के सामने अंकित तिथि, समय एवं स्थान पर दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा प्रशिक्षण हेतु वांछित दस्तावेज सहित अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। संलग्न सूची के अभ्यर्थियों को अलग से बुलावा पत्र ईमेल के माध्यम से भेजा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, इसके रेफरेंस में आपको एक ऑलरेडी मेल आ चुका होगा और आपको मेल के द्वारा ये भी बताया गया होगा कि आपका डीवी का जो डेट है वो आपका चेंज हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अन्य जानकारी RRC NR की वेबसाइट पर अंकित मोबाइल नंबर पर फ़ोन कर प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पर जाएंगे आपको और वहाँ पर फ़ोन नंबर हेल्पलाइन है, तो हेल्पलाइन पर आपको हर प्रकार की जानकारी मिल सकती है। और अब देखते हैं दोस्तों लिस्ट। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट का रोल नंबर, किस डेट में उनका डीवी होने वाला है, कौन सा शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, रिपोर्टिंग टाइम यानी आपको इस टाइम पे वहाँ पर मौजूद रहना है और कहाँ आपका होने वाला है वेन्यू, तो ये सारा कुछ डिटेल यहाँ पर मेंशन कर दिया है रेलवे ने। तो ये पूरी सूची देख रहे हैं, टोटल 60 पन्नों का ये लिस्ट है। तो ये 60 पन्नों में आप सर्च कर सकते हो इस फाइल को सेव करके कि इसमें आपका रोल नंबर मौजूद है अथवा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिला के अगर बात करें तो टोटल यहाँ पर 2500 लोगों को मौका दिया जा रहा है इस नोटिस में, ठीक है। तो 2500 लोगों को अब यहाँ पर जाना होगा और अपना डीवी करवाना होगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आपकी पहली सूचना। अब चलते हैं दूसरी सूचना में जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं दूसरी सूचना में। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका दूसरा सूचना जो आपका RRC प्रयागराज की तरफ से आ रही है ग्रुप डी 2019 अभ्यर्थियों के लिए। सो फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल ऑफ वेबसाइट। और दोस्तों, यहाँ देखिए 4/3/2023 का डेट में एक सूचना आई है जो कि आपका PET के संबंध में है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए CEN RRC 1/2019 लेवल 1 के
तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा PET से संबंधित लैब वाइज परिणाम की सूचना। तो दोस्तों यहाँ पर जो PET एग्जामिनेशन हुए थे उसकी जो परिणाम है, जो उसका जो रिजल्ट है वहाँ पर घोषित हो चुका है। तो आपका PET में सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, जो जो आगे कैंडिडेट जो DV में जाएंगे, तो इसकी पूरी सूचना दोस्तों आपको इस लिंक पर क्लिक करने से मिल जाएगी। तो चलिए मैं इस लिंक पर क्लिक कर देता हूँ आपके लिए। दोस्तों लिंक पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर एंटर करना है, और साथ ही साथ ये जो आप नंबर देख रहे हो कैप्चा कोड, इसको यहाँ पर एंटर करके और गेट डिटेल पे क्लिक कर देना है। इससे दोस्तों आपको एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा यहाँ पर एक पन्ना का, जहाँ पर आपका लिखा हुआ रहेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है और आप DV में जाओगे या नहीं जाओगे। तो टोटल ये दो सूचनाएँ आ रही थी RRC की तरफ से, जो कि लेटेस्ट है। आगे की सूचनाओं को दोस्तों आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप दबाओगे नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली सूचना में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।